कल रात को उसने धमकी जाके दी घर पे कि तुझे कल तक तुझे जान से तेरा मर्डर कर दूंगा। साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में बीती रात तकरीबन 8 बजे के आसपास उस समय सनसनी फैल गई जब इलाके के रहने वाले 20 साल के आशिफ नाम के लड़के को कुछ लोगों ने पहले तो घर से बुलाकर ले गए, फिर उसे चाकू से गोद कर उसको घायल कर दिया। जब उसे परिवार वाले हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तब उसने रस्ते में ही दम तोड़ दिया। कल ये चाचा का लड़का है आशिफ जी, कल इसका झगड़ा हुआ है, इसका सर फाड़ा इन लोगों ने, 7-8 टांके आए, FI लॉन्च कराई है। यहाँ के IO ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना उस लोगों को पकड़ा ना उन्होंने कुछ बोला, वो खुलेआम गुंडे घूम रहे थे। कल रात को उसने धमकी जाके दी घर पे कि तुझे कल तक तुझे जान से तेरा मर्डर कर दूंगा अगर तू आज बच गया तो मेरे हाथ से। और आज शाम को करीबन 8 बजे 8:30 बजे की घटना है, 8-10 लड़के आए थे, दे चाकू और बस वहाँ उसके शरीर पर कई जगह चाकू से वार किया गया था। परिवार वालों को ये भी पता लगा कि कल भी आशिफ का कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। 18 से 22 साल का लड़का है आशिफ जिसका नाम है, वो क्या कहते उसका मर्डर हो गया पहले, कल उसका झगड़ा वगैरह हुआ था, कोई उसमें चाकू वाकू भी मारी थी उसको, इन लोगों ने कम्प्लेंट भी कराई थी, लेकिन वो लड़का उसका अरेस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम में। फिर आज क्या कहते उन लोगों ने थेरेपी दी थी इनके घर पे जाके कि उसका मर्डर कर दूंगा, ठीक है। और इस बात की पुलिस को कम्प्लेन भी की गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तस्वीर आशिफ की है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज उसको कुछ लड़कों ने चाकू से घोप कर घायल कर दिया। जब उसको परिवार वाले हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उसने रस्ते में दम तोड़ दिया। सब लोग हमारे भतीजे को मारा, चाकू से मारा है और कल मारा था उसको, जो घर में शादी थी इसलिए लोग उसको ज्यादा देख नहीं पाए। आज वो आया है तो आज उसे सब लड़कों ने मिलकर चक्कू से गोद दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती शाम को 8-9 बजे के आसपास कुछ लड़कों ने उसको घर से बुलाया और फिर उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि अगर पुलिस वक्त रहते मदद करती तो शायद आज उनका बच्चा जिंदा होता। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक पहुंचा सकें पहचान सच्चाई की। मैं हिमांशी उपाध्याय, Arrive 24 न्यूज़।